आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि दो मासेज हैं, ठीक है, एक 5 kg है, एक 15 kg है, और मैं एग्जांपल किसका लेने जा रहा हूँ, फोर्स का, फोर्स का पहले एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, फोर्स, हम चार चीज़ें करेंगे, फोर्स, ई, यू और वी। तो फोर्स में जैसे सपोज ये डिस्टेंस 2 meter है, ये 3 meter है, मुझे यहाँ पर एक और मास गिवन है, मान लो 7 kg। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इस टाइप का आता है, नेट फोर्स निकालो, फाइंड नेट फोर्स ऑन 15 kg, 15 kg के ऊपर नेट फोर्स क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो रूल नंबर 1, नेट फोर्स निकालने के लिए सारे वेक्टर किस पे ड्रॉ करने हैं, 15 kg। तो 15 kg को 7 kg और 5 kg अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट। 7 kg 15 kg को अट्रैक्ट करेगा, बोलो फोर्स का फॉर्मूला, जी इंटू 7 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक हो गया। ऐसे 5 kg जो है, 5 kg भी इसे अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो कैसे, जी इंटू 5 इंटू 15 डिवाइडेड बाई, इनके बीच में दूरी क्या है, 5 का स्क्वायर, तो दोनों को ऐड कर देंगे, नेट फोर्स आ जाएगी। तो जो नेट फोर्स की वैल्यू है विल बी इक्वल टू जी इंटू 5 इंटू 15 बाई 5 का स्क्वायर प्लस जी इंटू 7 इंटू 15 बाई 3 का स्क्वायर, इतने न्यूटन आंसर आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक समझ में आ रहा है यहां तक, ये पहले टाइप का न्यूमेरिकल जो हमने लास्ट टाइम भी किया था, ठीक है, जैसे रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक, पहला पॉइंट है। इसी के अंदर आपको क्वेश्चन फोर्स में ऐसा भी आ सकता है कि सपोज करो आपके पास फिर से ये मान लो 5 kg का मास है, ये मान लो 15 kg का मास है, और आपको इनके बीच में डिस्टेंस टोटल गिवन है, मान लो 10 meter का डिस्टेंस है, मुझे एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां पर नेट फोर्स क्या हो जाए, 0। किसके ऊपर, एक ऐसा मास जो मुझे गिवन नहीं है, पर कोई भी मास अगर यहां रखूंगा उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए, वो पॉइंट बताओ, वो दूरी बताओ। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें मानूंगा ये डिस्टेंस कितना है, एक्स। तो ये डिस्टेंस अगर एक्स है तो ये कितना है, 10 - x, ठीक है यहां तक। तो इस पॉइंट पर रूल नंबर 1 हम क्या करेंगे, यहां पर इमेजिन कर लेते हैं कि मास क्या पड़ा हुआ है, एम, कुछ भी कर लो, क्योंकि फोर्स के लिए कम से कम 2 मास तो चाहिए ही चाहिए, तो कुछ भी एज्यूम करो, नहीं गिवन। तो 5 kg इस मास को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, m1 m2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, और ऐसे 15 kg इस m को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, 15 इंटू m डिवाइडेड बाय 10 - x का होल स्क्वायर। नेट फोर्स 0 करने के लिए लेफ्ट और राइट की फोर्स इक्वल, तो इक्वेट करके g से g कैंसिल, m से m कैंसिल, एज्यूम ही करना सा कट गया, सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। तो एग्जांपल भी हमने किया, तो या तो क्वेश्चन आएगा नेट फोर्स निकालने का, फोर्स निकाल देना वेक्टर से, या वो होगा नेट फोर्स 0 कर दो, तो भी सारी फोर्सेस के वेक्टर ड्रॉ करके लेफ्ट और राइट के वेक्टर को कैंसिल करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल क्लियर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है, जब आप फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे, फोर्स का न्यूमेरिकल करेंगे, बिना वेक्टर के होगा ही नहीं, क्योंकि माइनस करना है 2 vector को या प्लस करना है, वो डायरेक्शन के साथ ही होगा, ठीक हो गया। अब तीसरा जो एग्जांपल आएगा, जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, वो है ई, इंटेंसिटी के ऊपर। तो इंटेंसिटी के ऊपर बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट आएगा जो फोर्स का किया, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, एग्जांपल है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी या फील्ड स्ट्रेंथ एक ही बात है, ठीक है, इसका सिंबल ई है। तो जैसे ये 5 kg है, जैसे ये 15 kg है, और मान लो ये 2 meter है, मान लो ये 3 meter है, मुझे यहां पर इस पॉइंट पर क्या निकालनी है, नेट ई की वैल्यू क्या होगी। जहां पर मुझे ई निकालना है वहां मास क्या एज्यूम करना है, 1, ये सबसे आसान है। तो 5 kg इस 1 को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट,
जी इंटू फाइव डिवाइडेड बाई टू का स्क्वायर, ये ई वन की वैल्यू आएगी लेफ्ट की तरफ, और 15 केजी इस वन को क्या करेगा अट्रैक्ट, तो ई टू की वैल्यू क्या आएगी जी इंटू 15 डिवाइडेड बाई थ्री स्क्वायर। तो नेट जो वैल्यू है ई की वो क्या होगी, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को आपने क्या कर देना है माइनस। तो यहां से जो भी आंसर आएगा बस के यूनिट जो है वो न्यूटन पर केजी में पुट करना। तो पॉइंट नंबर वन क्लियर। तो नेट ई की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो पहला एग्जांपल फोर्स का वेक्टर से ही सॉल्व होना है, दूसरा एग्जांपल ई का वेक्टर से ही सॉल्व होना है। ठीक है यहां तक, तो ये पॉइंट क्लियर है। ऐसी अगली प्रॉब्लम इस कैटेगरी में ऐसी आती है कि सपोज करो 15 केजी का मास है, 5 केजी का मास है, इनके बीच में डिस्टेंस वो आपको दे देगा, मान लो डिस्टेंस की वैल्यू 10 मीटर है, वो पूछेगा एक ऐसा पॉइंट बताओ एक्स जहां पर नेट ई की वैल्यू क्या आ जाए जीरो। अब फोर्स की जगह नेट ई जीरो आ जाए। अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 15 केजी यहां पे जहां ई निकालना है वहां मास वन, सबसे पहले 15 केजी इस वन को अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट, तो ई की वैल्यू क्या लगाएगा जी इंटू 15 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से ये 5 केजी वन को क्या करेगा अट्रैक्ट, तो ई क्या लगाएगा जी इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नेट ई जीरो करने के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा इक्वेट, इक्वेट करके सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स की, बिल्कुल जैसे फोर्स किया वैसे ई कर दिया। पॉइंट समझ में आ रहा है, मैं इकट्ठे इसलिए लगा के दिखा रहा हूं ताकि पता लग जाए कि फोर्स और ई में ज्यादा अंतर नहीं है, तो इनमें दोनों टाइप के न्यूमेरिकल में वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगना ही लगना है। अब बात करता हूं एनर्जी की, एनर्जी और वी दोनों आसान है, वेक्टर लगना ही नहीं है, सिर्फ वैल्यूज लिखनी है बात खत्म। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं एनर्जी का, तो जैसे 1 केजी का ऑब्जेक्ट है, 2 केजी का ऑब्जेक्ट है और 10 मीटर डिस्टेंस है, सिस्टम की एनर्जी पूछ लेगा, तो माइनस जी 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10, डन, इतने जूल आंसर है, बात ही खत्म हो गई, कुछ करना ही नहीं इसमें, एनर्जी निकालने में कुछ करना ही नहीं है बस, क्योंकि वैक्टर नहीं है ना, फॉर्मूला लगाओ दो मास का, दो मास का आएगा बता दिया, तीन मास का आएगा बता दिया, चार पार्टिकल होंगे तो दो दो करके ऐड करते रहो कि आज हमने, तो एनर्जी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आएगा किसका, पोटेंशियल का, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एग्जांपल भी आज हमने किया, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वही सेम चीज, 2 केजी है, ये 3 केजी है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, यहां पे नेट वी निकाल दो कितना है, कुछ करना ही नहीं है, 2 केजी यहां पर क्या वी लगाएगा माइनस जी इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1। उसी तरीके से 3 केजी क्या लगाएगा माइनस जी 3 डिवाइडेड बाय 1, तो जूल पर केजी इसका आंसर होगा, कुछ करने नहीं, ऐड कर दो। वी और यू आसान है, और ई और एफ में थोड़े वेक्टर का कॉन्सेप्ट देखना पड़ता है।